हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी टेक्नो। मैं हूं जाहिद और आज आपके लिए एक और नई टेक वीडियो लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल प्लस का कस्टम URL कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें जी टेक्नो चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। जब आप गूगल प्लस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको आपके प्रोफाइल लिंक में बहुत सारा नंबर मिल जाता है। उन नंबर को रिमूव करके आप अपने अकॉर्डिंग या फिर अपने यूट्यूब चैनल के अकॉर्डिंग URL चूज़ करते हैं तो वो आपका कस्टम URL कहलाता है। तो चलिए देखते हैं URL कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। कस्टम URL क्रिएट करने के लिए कुछ बेसिक रूल होते हैं, उसे पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पर पहले सर्च कर लेते हैं गूगल प्लस के जो बेसिक रूल है। उसके बाद आपको जो पहला लिंक दिख रहा है उसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको पूरा रूल जो है देखने को मिल जाएगा। गूगल प्लस का कस्टम URL क्रिएट करने से पहले आपको ये जो बेसिक रूल है वो पूरा करना होता है। तो सबसे पहला रूल है, आपके अकाउंट में कम से कम 10 फॉलोवर होने चाहिए। दूसरा रूल है, आपका अकाउंट जो है 30 दिन पुराना होना चाहिए। और तीसरा रूल जो है, आपके अकाउंट में प्रोफाइल पिक डाला होना चाहिए। और चौथा रूल जो है, आपका अकाउंट अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। अब देखते हैं कस्टम URL जो है कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है plus.google.com। उसके बाद आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ डेस्कटॉप साइट में चेक करना है। इसके बाद आपका पेज जो है डेस्कटॉप में जैसा व्यू होता है वैसा यहाँ पे होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जूम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जितने भी अकाउंट लॉगिन होंगे यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो जिस भी अकाउंट का आपको कस्टम URL क्रिएट करना है उस अकाउंट को यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको जूम कर लेना है और ये जो प्रोफाइल का आइकन दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकाउंट में प्रोफाइल पिक डला हुआ है और 10 से ज़्यादा फॉलोअर्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे अकाउंट का कस्टम URL आपको शो कर रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है आपके भी अकाउंट में कस्टम URL शो करेगा अगर आपने ये बेसिक जो है इसके रूल कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं अपना जो है कस्टम URL क्लेम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मेरा कस्टम URL शो कर रहा है। अगर कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहते हैं सफिक्स में तो यहाँ पे आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मुझे कुछ और ऐड नहीं करना है तो मैं एग्री में क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सेव URL में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, अगर आप एक बार कंफर्म कर देंगे तो दोबारा आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसे मैं कंफर्म कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे URL का लिंक जो है चेंज हो गया है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल जी टेक्नो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरीके के और वीडियो यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ।